हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज क्लास 12th हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जिन स्टूडेंट को 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, साहित्यिक परिचय इस तरह हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी का साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा कुशल वक्ता एवं सफल शिक्षक थे। वह मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में ललित निबंध हुआ जीवन का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में जीवन की मार्मिक चित्रण, जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डीलिट की उपाधि, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी कि पारितोषिक का होता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला। उपन्यासकार के रूप में 4 उपन्यासों की रचना की। अभी देखेंगे कौन कौन से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। द्विवेदी जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं पाएगा। चलिए इनकी रचनाएं लिख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स डालेंगे द्विवेदी जी की रचनाएं, द्विवेदी जी की रचनाएं इस तरह डाल देंगे, लिखेंगे इनकी रचनाएं, निबंध संग्रह सिर्फ लिख लेंगे। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? निबंध संग्रह, निबंधों का संग्रह, इनके कौन कौन से निबंध हैं? तो फ्रेंड्स, इनका निबंध अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, आदि, इस तरह लिख देंगे आदि। अब इनके उपन्यास देखते हैं कौन कौन से इनके उपन्यास थे, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। तो डालेंगे उपन्यास, काले पेन से डाल देंगे, नीले पेन से डाल देते हैं, फिर काले, आप काले पेन से डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। चारुचंद्रलेख, और कौन सा है? पुनर्नवा, अ
अनामदास का पोथा। ये चार इनके उपन्यास थे अनामदास का पोथा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप साहित्यिक परिचय लिख लेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सखी फ्रेंड्स।